कुछ म्यूचुअल फंड हाउस इंक्लूडिंग कोटक म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी पहल कर दी थी कि हम स्मॉल कैप फंड्स में जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से लाए। पिछले एक दो तीन साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो परफॉर्मेंस देख के निवेश करने वाले लोगों की कमी नहीं है देश में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि जब आप निवेश करें तो फ्यूचर में क्या रिटर्न आएगा उसकी पोटेंशियल पे निवेश करिए, नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश करिए। हमें इस वक्त लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए और कुछ हद तक एवरेजिंग करता हुआ पैसा चाहिए, इसलिए हमने SIP के ऊपर 25,000 रुपए की कैप लगाई है प्रति पर्सन प्रति माह, ST के ऊपर 2,00,000 रुपए की कैप लगाई है। कोशिश यही है कि जो भी पैसा इस वक्त मार्केट में आए स्पेशली स्मॉल कैप में वो लंबी अवधि का हो और सही नजरिए से आए। एक लेकिन क्रिटिसिज्म ये होगा कि ये तो फंड मैनेजर का फिर काम होना चाहिए कि हर मार्केट में रिस्क मैनेज किया जाए और मतलब फंड्स को लिमिट ना किया जाए। अब रिटेल का इतना पैसा आ रहा है और अगर रिटेल को अब लग गया है कि मार्केट में पैसा बनना है तो रिटेल तो ये कहेगा ना कि ये तो मेरा काम नहीं है, तो फंड मैनेजर का काम होना चाहिए। अनडाउटेडली अनुज भाई, रिटेल जरूर ये कह सकता है ये फंड मैनेजर का काम है, और हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है जहाँ पे वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी सेविंग स्कीम है या असेट एलोकेशन फंड है, वहां पे आज हम अपनी तरफ से एलोकेशन कर रहे हैं। पर जब आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो एलोकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर या आप खुद कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पे यही है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे हमें कोई संदेह नहीं है, हमें जो पैसा चाहिए वो लंबी अवधि के लिए चाहिए। मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ और आप मुझे T20 की तरह इवेल्युएट करेंगे तो हो सकता है वो चौके छक्के हम नहीं लगा पाए जिसकी आप उम्मीद करके आए हैं। यह टेस्ट मैच है, T20 नहीं है, समय दीजिए, रिटर्न जरूर बनेगा। वो सारे निवेशक जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में मिड कैप पोर्टफोलियोज में अपनी रिस्क प्रोफाइल से ज्यादा निवेश करके बैठे हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, एक झटके में मत करिए पर धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करिए। वो निवेशक जो पिछले साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश कर रहे हैं उन्हें यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन पिछले साल की जैसे मत रखिए, और थोड़ा अगर एवरेजिंग कर सके सारा पैसा एक साथ लगाने की जगह पे नेक्स्ट 6 महीनों में इंस्टॉलमेंट में लगाए तो आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में अगेन रिपीट करता हूँ, हमें कोई संदेह नहीं है भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, बट कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों का निवेश, लोगों की एंट्री अच्छी तरह से हो। कई बार अनुज भाई जब छोटे थे तो देखते थे अगर फिल्म की एंट्री अच्छी हो तो फिल्म धड़ल्ले से चल जाती थी। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का एंट्री पे एक्सपीरियंस अच्छा रहे, एवरेजिंग करके आए, सही मायने रख के आए, सही नजरिया रख के आए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।